अयोध्या में तपस्वी छावनी के बाहर भारी हंगामा, महंत परमहंस के समर्थकों ने किया हंगामा, महंत को बाहर लाने की मांग कर रहे हैं समर्थक। आचार्य परमहंस की जल समाधि की धमकी के बाद एक्शन में पुलिस, आचार्य परमहंस के आश्रम के बाहर धारा 144 लगाई गई। अयोध्या में तपस्वी छावनी में नजरबंद किए जाने पर भड़के महंत परमहंस, जल समाधि से रोकने की पुलिस की अभी तक की सभी कोशिशें नाकाम रही। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर अड़े परमहंस, परमहंस को मनाने में जुटा अयोध्या प्रशासन, घर पर ही महंत परमहंस ने किया यज्ञ। पुलिस ने महंत परमहंस को दी चेतावनी, कहा आश्रम से बाहर न निकले महंत परमहंस, किसी भी सूरत में महंत परमहंस को जल समाधि नहीं लेने देंगे। जल समाधि पर बोले महंत परमहंस, जब नजरबंदी खत्म होगी तब जल समाधि लूंगा, प्रशासन ने मुझे जबरन नजरबंद किया हुआ है। महंत परमहंस ने कहा कि आश्रम के अंदर और बाहर पुलिस बल की तैनाती, घर से बाहर निकलने पर महंत पुलिस ले सकती है, महंत को पुलिस ले सकती है हिरासत में। जल समाधि पर जी हिंदुस्तान से बोले स्वामी परमहंस, मेरा समाधि का संकल्प बरकरार रहेगा, मेरी मांग संवैधानिक, मेरे बाद मेरी ये लड़ाई लगातार रहेगी जारी। जगत गुरु परमहंस ने कहा था खुफिया रास्ते से जाऊंगा सरयू घाट, पुलिस को भी नहीं खुफिया रास्ते का पता है। स्वामी परमहंस ने कहा पुलिस ने रोका तो प्लान भी तैयार, परमहंस के आश्रम के बाहर भारी फोर्स तैनात। परमहंस के हट को देखते हुए अयोध्या की तपस्वी छावनी को पुलिस छावनी में किया गया तब्दील, पीएससी के साथ साथ भारी पुलिस बल की तैनाती। सरकार को महंत परमहंस की चेतावनी का आखिरी दिन, जल समाधि लेने का दिया था अल्टीमेटम। परमहंस के हट को देखते हुए अयोध्या की तपस्वी छावनी को पुलिस छावनी में किया गया तब्दील, पीएससी के साथ साथ भारी पुलिस बल की तैनाती। आचार्य परमहंस दास को कॉमेडियन राजेश श्रीवास्तव का भी समर्थन, लेकिन जल समाधि लेने का हट त्यागने की भी अपील। परमहंस दास की मांग का समर्थन करने वाले राजू श्रीवास्तव ने कहा कि मैं भी हिंदू राष्ट्र की मांग से सहमत हूं, देश अगर हिंदू राष्ट्र बना तो मुझे भी होगी खुशी। महंत मौत मामले में हरिद्वार कनेक्शन खंगाल रही है सीबीआई, आनंद के करीबी की जानकारी जुटाने में लगी है जांच टीमें, मोबाइल कॉल डिटेल से हाथ लग सकते हैं हम सबूत। प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में आनंद गिरी ने दायर की है याचिका, महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से जुड़े दस्तावेजों की मांग। आनंद गिरी के वकीलों की दलील, कहा अपने बचाव के लिए केस से जुड़े दस्तावेजों की मांग करना आरोपी का अधिकार, अभियोजन पक्ष ने अर्जी का किया विरोध। महंत संदिग्ध मौत मामले में आरोपियों का नार्को टेस्ट करवा सकती है सीबीआई, आनंद आद्या और संदीप का हो सकता है नार्को टेस्ट। आरोपियों से कई दौर की पूछताछ के बाद भी तस्वीर साफ नहीं, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को अभी तक कथित वीडियो नहीं मिला। प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश, सीबीआई जांच शुरू होने तक जारी रहेगी एसआईटी की जांच। कानपुर के मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत मामले में सियासत तेज, बीजेपी ने सपा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कृषि कानूनों का विरोध राजनीतिक धोखाधड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कई दौर की बात हुई खत्म लेकिन कोई खास बिंदु सामने नहीं आया, सरकार किसानों से बातचीत को तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा विपक्ष मुद्दा बना रहा क्योंकि मोदी की सफलता से डर रहे हैं, भ्रम फैलाकर आशंका पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस पर पीएम का निशाना, कहा पहले सरकार बनाना लक्ष्य होता था, अब देश बनाने के लिए सरकार चलती है। हरियाणा में बीजेपी विधायकों के घरों का घेराव करने के लिए पहुंचे किसान, अंबाला में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। हरियाणा के अंबाला में किसानों का हंगामा, किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर जमकर मचाया उत्पात। हरियाणा और पंजाब में हंगामा, जीवियों की नई साजिश, टिकैत ने ट्वीट करते हुए किसानों को भड़काया, कहा धान की खरीदी चालू करने के लिए बीजेपी और जेजेपी विधायकों के घरों का करे घेराव। 11 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होने के केंद्र के फैसले से संयुक्त किसान मोर्चा में रोष, पंजाब और हरियाणा में मंत्रियों, नेताओं और विधायकों के घरों का घेराव करेंगे किसान। किसान आंदोलन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया, कहा किसान आंदोलन हर रोज हिंसक होता जा रहा है। अनिल विज ने कहा किसान अपने आंदोलन को संयम में रखें, गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की जगह नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 192वीं जयंती आज, राजघाट जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, राजघाट पहुंचकर बापू को दी श्रद्धांजलि। राजघाट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, गांधी जयंती पर किया नमन। राजघाट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बापू को श्रद्धांजलि दी, राहुल गांधी के साथ काफी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बापू को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने सचिवालय और गांधी सर्कल पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, बापू को नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती आज, विजय घाट पर पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि अर्पित की, विजय घाट पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर संसद भवन में दी गई श्रद्धांजलि, पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी ने बापू को श्रद्धांजलि दी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी बापू को नमन किया। गांधी जयंती के मौके पर देशभर में बीजेपी का स्वच्छता अभियान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में की पूरे पार्क की सफाई। गांधी जयंती के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बापू को नमन, मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, बोले भारत की आत्मा है बापू। एमपी के भिंड में गांधी जयंती के अवसर पर स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, बच्चों के साथ पुलिस प्रशासन भी शामिल। मध्य प्रदेश के सिवनी में आजादी के अमृत महोत्सव पर रन फॉर इंडिया का आयोजन हुआ, एनसीसी समेत स्कूली छात्रों ने आयोजन किया। गांधी जयंती पर ग्वालियर में गोडसे पर संगोष्ठी से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने हिंदू महासभा को बताया बीजेपी की बी टीम, बापू को श्रद्धांजलि देते समय बीजेपी कांग्रेस में जुबानी झोंक। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्र ध्वज का अनावरण, गांधी जयंती पर लेह में उपराज्यपाल फहराया राष्ट्रीय ध्वज, कार्यक्रम में आर्मी चीफ नरवणे भी मौजूद रहे। खादी से बने तिरंगे की लंबाई 250 फीट जबकि चौड़ाई 150 फीट, तिरंगे के सम्मान में वायुसेना ने किया फ्लाई पास्ट। एलएसी पर भारत बढ़ा रहा है अपनी ताकत, चीन से तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में तैनात किया K9 वज्र, एलएसी पर बढ़ेगी मारक क्षमता। पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने तैनात किए तोप, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है तोप। चीन पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि एलएसी पर स्थिति सामान्य है, चीन के साथ 13वें दौर की बातचीत, इसी महीने पिछले एक साल से बातचीत जारी है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा बातचीत से ही समस्या का होगा समाधान, हर चुनौती का सामना करने को तैयार, एलएसी पर हमने सेना बढ़ाई। अफगानिस्तान पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि अफगानिस्तान के हालातों पर हम नजर बनाए हुए हैं। जल्दी अपनी पार्टी बना सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सूत्रों के हवाले से खबर, पंजाब विकास पार्टी हो सकता है नाम, संकट में आ सकती है नई समेली चनी सरकार। पंजाब में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं अमरिंदर सिंह, कई विधायकों के कैप्टन के संपर्क में होने से चन्नी के सामने फ्लोर टेस्ट की होगी चुनौती। कांग्रेस में घमासान पर शिवसेना नेता संजय राउत बोले इतनी बड़ी पार्टी का अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा लोगों के मन में भ्रम जरूर पैदा होगा। संजय राउत ने कहा कि पार्टी अगर हेडलेस रहेगी तो सवाल तो खड़े होंगे ही, उम्मीद है कि जल्दी पार्टी अपने अंदरूनी मामले को सुलझा लेगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का नया ऐप किया लॉन्च, जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों के साथ पीएम मोदी ने की चर्चा। जल जीवन मिशन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा लंबे वक्त तक सरकार में रहने वालों ने गरीब का दर्द नहीं देखा है। पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारों ने गरीबों का दर्द नहीं देखा, जिनके घर में स्विमिंग पूल, उन्हें पानी की किल्लत नहीं देखी। गुरुग्राम में नमाज को लेकर फिर से टकराव शुरू हो गया, हिंदू संगठनों की चेतावनी, कहा सेक्टर 47 में नहीं पढ़ने दी जाएगी नमाज। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर गुरुग्राम में पहले भी हो चुका है विवाद, जिले के 37 चुनिंदा स्थानों पर नमाज पढ़ने पर बनी थी सहमति। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की चपेट में आए नौसेना के 5 जवान लापता हुए, त्रिशूल पर्वत पर ट्रैकिंग के दौरान भूस्खलन हुआ, इसके साथ ही ये सभी जवान चपेट में आए। आम आदमी पर फिर पड़ी महंगाई की मार, दिल्ली NCR में CNG के दामों में इजाफा, दिल्ली में 2.28 रुपए महंगी हुई CNG। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले विपक्ष का ईवीएम राग तेज हुआ, अखिलेश ने फिर ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बैलेट से चुनाव हुए तो हार जाएगी बीजेपी। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए SP अध्यक्ष ने बयान दिया, कहा ईवीएम हटे तो बन जाएगी समाजवादी पार्टी की सरकार, अमेरिका जैसे देश भी बैलेट से कराते हैं चुनाव। IAS इफ्तिखार मामले को लेकर ओबीसी ने अखिलेश, प्रियंका गांधी और मायावती पर बोला हमला, पूछा आप क्यों चुप हैं यूपी के विपक्षी दलों के नेता। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, जबकि 234 मरीजों की गई जान। केरल में कोरोना पर कंट्रोल नहीं, बीते 24 घंटे में 13,800 से ज्यादा नए केस सामने आए, 95 लोगों ने दम तोड़ा, मामले बढ़ने से चिंता में विजयन सरकार। झारखंड में काबू में कोरोना, 24 घंटे में राज्य में महज 12 नए मामले आए, रांची में 5 नए केस, एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 87। गांधी जयंती के मौके पर बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, 35 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया। कानपुर में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप, पति पत्नी और बेटे की भी निर्मम हत्या, पुलिस मामले की जांच में। राजधानी लखनऊ में भी दबंगों के हौसले बुलंद, गोसाईगंज में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, मंदिर ट्रस्ट की जमीन को लेकर हुआ था विवाद।
रायबरेली के जगतपुर इलाके में दबंगों ने घर में घुसकर मचाया उत्पात, पीड़ित परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस के सामने भी जारी रहा दबंगों का तांडव। पुलिस पर दबंगों के खिलाफ एक्शन न लेने का आरोप लगा, दर्जन भर से ज्यादा की तादाद में पहुंचे थे उपद्रवी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गाजियाबाद पुलिस ने 90 लाख की विस्फोटक सामग्री को किया नष्ट, फरुख नगर के अलग अलग घरों से बरामद हुआ था बर्बादी का सामान, कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। शुक्रवार को नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने अनोखी पहल की, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किडनी को समय से 3 मिनट पहले पहुंचाया अस्पताल। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर रस्साकसी, कांग्रेस की 4 सदस्य टीम ने कुशेश्वर स्थान जाकर लिया जायजा, बीजेपी ने कहा एनडीए की जीत पक्की। पटना यूनिवर्सिटी पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान सामने आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जगह आधारभूत संरचना को ठीक किया जाना ज्यादा जरूरी है। बिहार के बेगूसराय में सड़क किनारे खड़ी खाली पिकअप वैन में अचानक लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लगातार बारिश से नालंदा में पंचानी नदी उफान पर है, पानी खतरे के निशान से ऊपर, नदी के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। राजस्थान के बारा में सरकारी भूमि पर पौधारोपण का मामला, दबंगों ने युवक से गाली गलौज करके लाठियों से किया हमला, घटना का वीडियो वायरल। राज्यपाल को लेकर राज्यपाल पंगुभाई पटेल से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, जन कल्याण और इसके साथ ही सुराज अभियान समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा, सीएम ने भी योजनाओं की जानकारी दी। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन, वीडी शर्मा बोले जल्द होगा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों की दिल्ली दौड़ जारी, आज भी कई विधायक दिल्ली के लिए रवाना हुए, देश की राजधानी में डटे करीब 25 माननीय। हरियाणा के सिरसा में महिला पर फेंका गया तेजाब, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, महिला की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ ने फैलाई दहशत, रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक काबू में किया। वडोदरा के ही एक और इलाके में पकड़ा गया भारी भरकम अजगर, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ने पकड़ा और जंगल में छोड़ा। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के मौके पर राजधानी पटना के लोगों को बढ़ा तोहफा, पटना चिड़ियाघर में एक सप्ताह तक लोगों को फ्री में मिलेगी एंट्री। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की नई साजिश, मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा, चीन की सेना में पाकिस्तानी फौज के कई अधिकारी तैनात। पाक आर्मी अफसरों को वेस्टर्न और सदर्न कमांड में चीन की पीएलए के साथ किया गया तैनात, लद्दाख और तिब्बत से सटा है इलाका, अलर्ट पर भारत। आतंकवादियों को खाद पानी देने वाले नियाजी इमरान का नया पैंतरा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश, हथियार छोड़ने की अपील। इमरान की तरफ से तालिबान कर रहा है टीजीपी के साथ बातचीत, एक इंटरव्यू के दौरान बोले इमरान, कहा कुछ पाकिस्तानी तालिबानी ग्रुप शांति के लिए करना चाहते हैं बात। घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तान की नई चाल, बच्चों के जरिए एलओसी की रेकी करवाने का खुलासा, पूंछ की कृष्णा घाटी से पकड़ा गया 15 साल का पाकिस्तानी लड़का। अमेरिका में कोरोना से अब तक हुई 7 लाख से ज्यादा मौतें, 3.5 महीने में मौत का आंकड़ा 6 से 7 लाख पहुंचा। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या बोस्टन की आबादी से ज्यादा, अमेरिका में 7 करोड़ लोगों ने नहीं लगवाई वैक्सीन। डक डक गर्ल ने एक बार फिर अपने अंदाज से जीता फैंस का दिल, नए वीडियो में दिखाए दिलकश तेवर, माधुरी ने सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया वीडियो। अनन्या पांडे को पसंद है पियानो बजाना, जन्मदिन से पहले पियानो बजाते हुए नजर आई, लोगों ने खूब पसंद किया वीडियो।